हेलो फ्रेंड्स, जब भी आप नई नई माँ बनती हैं तो बेबी सिटिंग करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बच्चे को किस तरीके से दूध पिलाना है, किस तरीके से सुलाना है, किस पोजीशन में लिटाना है, कौन कौन सी चीजें बच्चे के लिए फायदेमंद हैं, कौन सी चीजें उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये सारी चीजें मिलकर बेबी सिटिंग ही कहलाती है, जो कि नई नई माँ को ज्यादा तौर पर पता नहीं होता है। इसीलिए अगर आप नई नई माँ बनी है तो मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आप अच्छे तरीके से बेबी सिटर बन जाएं। टिप नंबर 1, बेबी सिटिंग के लिए आपका जिम्मेदार होना और धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिम्मेदारी अपने बच्चे की सुरक्षा की, कि आप वो सारे सुरक्षा के सारे तरीके से तैयारियां करके रखें, ताकि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की चोट ना पहुंचे। मान लीजिए कि आपका बच्चा सो रहा है और आपको किचन के सारे काम पूरे करने हैं, तो आप जब भी बेड से उतरे तो बच्चे के आसपास बड़े बड़े पिलोस लगा दें और बच्चों के पास किसी न किसी को जरूर बिठा दें। आप चाहे तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कह सकते हैं, ताकि वो आपके बच्चों पर निगरानी भी रख सके और ये भी देख सके कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक अच्छा बेबी सिटर बनने के लिए आपके पास हर किसी का नंबर होना भी बहुत जरूरी है। अपने पड़ोसियों का नंबर मदद के लिए, अपने डॉक्टर्स का नंबर, अपने माता पिता का नंबर, और फोन की बैटरी को हमेशा चार्ज रखिए, ताकि अगर आपको एट अ टाइम पर किसी की जरूरत पड़े तो आप तुरंत फोन मिलाकर उनसे मदद मांग सकें। टिप नंबर 2, एक परफेक्ट बेबी सिटर बनने के लिए आपको कुछ चीजों की लिस्ट बनाने की भी जरूरत है, जैसे कि बच्चे के बेबी फीड का टाइम, उसे कब दूध पिलाना है, डायपर कितने समय में चेंज करना है, किस समय आपका बच्चा सो रहा है, किस समय वो जाग रहा है, ये सारी चीजों के समय को अच्छे तरीके से और सिस्टमैटिक ढंग से चलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप चाहे तो लिस्ट बना सकती हैं और एक एक चीज को याद कर सकती हैं। टिप नंबर 3, बच्चे को भूत वाले सीरियल, ज्यादा टीवी सीरियल, लाउड म्यूजिक से परेशान या डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। आप चाहे तो जब बच्चा जाग रहा हो तो उसी के साथ खेल सकती हैं। ऐसा करने से बच्चे के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा और बच्चा भूतिया या फिर डरावनी आवाजों से भी दूर रहेगा। कई बार ज्यादा भूतिया चीजें देखने की वजह से उसके जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो बच्चे के कानों को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं और उसी वजह से बच्चा रोना तुरंत शुरू कर देता है। इसीलिए टीवी को कम से कम चलाएं और बहुत ही लो आवाज पर ही टीवी को सुने और अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं। सो दोस्तों, ये है कुछ आसान से टिप्स जो आपको परफेक्ट बेबी सिटर बना सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।